all of you here in this session with the great legendary personality of Sindhi literature. I don't have much to say about this personality, just to introduce and hand over the mic to him, and then he and you are the direct connection. So this is the, as a young man, he fell in love with cricket. So cricket being his first love. And then all of a sudden, Sindhi short story fell in love with him. And he became prince of a Sindhi short story. And the characters he invented were the characters being robbed with their identity. So this is with Sindhi, a short story icon person. He contributed in Urdu and English, keeping same diction of Sindhi is a magical diction. So this is all between you and Amar Jaleel. So it's over to you and your audience. It's simply a reading and conversation with Amar Jaleel. So he will read something and talk what he wants, what he likes. So there's no such particular topic. कहानी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन कल की. अब उसको मैं सर्वे तो नहीं कह सकता, इट वॉज एट रैंडम. एक रैंडम सैंपल तो नहीं कहते, अबाउट 100. एवरी सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिनट एक SMS आ रहा है, एक SMS आ रहा है, आपको वैलेंटाइन मुबारक हो, वैलेंटाइन मुबारक हो, वैलेंटाइन मुबारक. मैंने उनसे दो सवाल पूछे. मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो नथिंग अबाउट वैलेंटाइन, टेल मी हु वाज ही. नंबर टू, लैला मजनू, शीरिन फरहात, सोहिनी महिवाल, रोमियो जूलियट, वैलेंटाइन एंड किसका वेयर इज लव. भाई वो किससे मोहब्बत करता था, क्या करता था कि इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि क्रिसमस में जितना टर्नओवर होता है, अब ऑलमोस्ट उसके बराबर हो गया है वैलेंटाइन का. ये जो वन वर्ल्ड कल्चर और वन वर्ल्ड, ये उसकी स्कीम्स हैं, और उस स्कीम्स में मुझे हैरत है कि हमारे नौजवान इस तरह आसानी से फंस जाते हैं, इतनी आसानी से फंस जाते हैं, दे डोंट इवन थिंक कि ये क्या हो रहा है. तो 100 में किसी एक शख्स ने मुझे ये नहीं बताया कि हु वाज़ ही. एक ने लिखा कि वाज़ ए जनरल इन रोमन आर्मी. मैंने कहा यार हद हो गई. और दूसरा ये कि जिस तरह रोमियो जूलियट है, शशि पुनू है और हीर रांझा है, तो वैलेंटाइन के साथ वो खातून कौन थी भाई, कि लव, और वो किसको जाके फूल देता था, दरख्तों को देता था, कहाँ देता था फूल, किसको देता था, हु वाज ही. ये कहाँ से शुरू होती हैं चीज़ें, कहाँ तक आती हैं, और किस तरह हम उसमें, नो वन थिंक्स, कोई सोचता नहीं है इस बात को. और एक भी जवाब मुझे कहीं से नहीं आया. और पढ़े लिखे लड़के कॉलेजों के, यूनिवर्सिटीज़ के, उन लोगों ने ये इस तरह के वो मैसेजेस भेजे थे. अब इसका हम, चूँकि पैसे में बड़ी ताकत है, किसी के पास अगर पैसा आ जाए तो वो आपका कुछ भी हो सकता है, आपके सर पे सवार हो जाता है और सर पे बैठ जाते हैं वो आपके, ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मनी. ये टेलीविज़न के जो हमारे 20-30 चैनल हैं, उनको मैं देख रहा था, वो कुरान और हदीसें, रसूल की बातें, फलां, और उसके बीच बीच में चला रहे हैं वैलेंटाइन को, चला रहे हैं. व्हाट वाज दैट, दैट वाज मनी, इट वाज मनी. इतने इश्तारात उनको मिले कि वो वैलेंटाइन के 2-3 दिन के इश्तारात उनके लिए 6 महीने के लिए काफ़ी हैं, उसके बाद अगर वो बैठ बैठ के खाएँ तो. उनका तो है, उनकी मजबूरी है पैसा,
इश्तिहार मिलेगा वो कुछ भी करेंगे, वो कादरी को भी दिखाना शुरू कर देंगे दो दो तीन तीन घंटे के लिए, बिकॉज कादरी पेड द मनी, तो उनका नहीं है। तो ये है कि मुझे कल दुख भी हुआ इस बात का कि अवर यंग पीपल दे डू नॉट थिंक इवन, उनके उनको सिर्फ एक इशारे की ज़रूरत है, वो सिंधी में उसको कहते हैं चिमके थे बंदूक छोड़ें, यानी कि ज़रा सी कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आई और आपने गोली चला दी उस पर। तो इस तरह का एक एटीट्यूड समथिंग इट वॉज वेरी स्ट्रेंज एंड आई वॉज शॉक्ड। इसके अलावा सम अदर टाइम, क्योंकि दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम एंड द फोरम टू डिस्कस। एक दो और चीज़ें थी, मुझे किसी ने पॉइंट आउट की थी कि नेट पर किसी ने कुछ वो लैंग्वेजेस के हवाले से, यानी कि किसी विदाउट एनी इंटेंशन, तो जितनी भी पाकिस्तान में ज़बानें बोली जाती हैं उनको कोई इलाकाई ज़बानें या कुछ इस तरह का किया। तो सिंपल ये है कि ये चीज़ सबसे पहले हमारे ओपन यूनिवर्सिटी में 1974 में मैंने इनिशिएट करके, और वहाँ से लफ्ज़ इलाकाई ज़बानें ये निकलवा दिया मैंने। मैंने कहा दीज आर पाकिस्तानी लैंग्वेजेस, पाकिस्तान है ये कोई और कोई जगह नहीं है, कहीं और नहीं है ये, वी ऑल लिव इन पाकिस्तान एंड स्पीक दीज लैंग्वेजेस विद इन द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, दस वी आर दीज आर द पाकिस्तानी लैंग्वेजेस। और अगर मोहम्मद अली जिन्ना की बात पर जाते हैं तो उसको आप बड़ा तोड़ मड़ोड़ कर लोग उसको पेश करते हैं, ही सेड दैट उर्दू विल बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, डू नॉट से कौमी ज़बान होगी। नो वेयर आप उस स्पीच कायदे आज़म की उठा के देख लें, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान विल बी उर्दू, एंड देयर बाय ही वॉज राइट, क्योंकि जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती थी। अगर आप बंगाल में रहते हैं, बंगाल बहुत ताकतवर लिटरेचर है उनके पास, रविंद्रनाथ टैगोर के जैसा शख्स है उनके पास, शरद चंद्र चटर्जी के जैसा शख्स है जिसने देवदास, पिछले 100 बरसों से वो किताब लगातार उनकी वो देवदास पब्लिश हो रही है जिसमें 3-4 फिल्में भी बनी हैं, उनका वो लिटरेचर है। लेकिन आप बंगाल से निकलते हैं आप उर्दू में बात करेंगे क्योंकि वहाँ कोई बात नहीं करेगा आप। मद्रास जाएं आप, ओडिशा आप चले जाएं, एवेयर एवर यू गो। लेकिन 47 के बाद हाल ही में मैं हिंदुस्तान गया था, उर्दू इज़ इन वेरी बैड शेप इन इंडिया, इन वेरी बैड शेप अनफॉर्चुनेटली। उस पर छाप लग गई जो कि छाप किस दुनिया में किसी ज़बान पर नहीं है इंक्लूडिंग अरेबिक, कि ये मुसलमानों की ज़बान है उर्दू, उर्दू पर हिंदुस्तान में ये छाप है। हालांकि कोई ज़बान किसी की नहीं होती, अगर आप ज़बानों को इसी हवाले से हम उठाना शुरू कर दें तो फिर इंग्लिश जो है वो क्रिश्चियंस की है, क्योंकि वो क्रिश्चियंस अंग्रेज़ी बोलते हैं कि उनकी ज़बान हो गई, लेकिन बाइबल कोई अंग्रेज़ी में तो नहीं आया था। और अरबी की जहाँ तक बात है तो वो कोई इतनी ऐसी ज़बान नहीं है, क्योंकि सबसे विशस टाइप ऑफ प्रोपोगंडा अगेंस्ट दी मुस्लिम वर्ल्ड एंड स्पेशली दी अरब्स वो अरबी ज़बान में होती है इसराइलीस की तरफ से, इसराइलीस। तो ये एक अलग है अनफॉर्चुनेटली, तो हमें भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। इट इज़ सिंधी, इट्स पंजाबी, इट्स अ बलोची, इट्स अ सराइकी, वॉट एवर लैंग्वेजेस द लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन पाकिस्तान, उसके लिए लफ्ज़ हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तानी लैंग्वेजेस हैं एंड उर्दू इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज़ ट्रू, क्योंकि मैं सिंधी होने के नाते अगर पंजाब में जाऊँगा किसी से सिंधी में बात नहीं करूँगा, किशो नाई से मैं बात करूँगा उर्दू में बात करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट पंजाबी के मैं उनके साथ पंजाबी में इंगेज करूँ मैं इनको। तो ये अंडरस्टैंड इस कि सम अदर टाइम इस तरह का कोई सेमिनार हो जिसमें वी सिट डाउन टुगेदर एंड थ्रेश आउट थिंग्स। और सर टाइम का मुझे बता दें, वी आर हेयर फॉर 1 घंटा, 1 आवर, उसमें कहानी भी पढ़नी है और उसके बाद कहानी पे कोई बात भी होगी। अच्छा अच्छा चले, ये स्टोरी अबाउट 15 मिनट्स 15-20 मिनट की है उसमें, और ये मेरी किताब है लव लॉन्गिंग एंड डेथ, ये उसमें से एक वन ऑफ द स्टोरीज़ है, ये ओरिजिनल अंग्रेज़ी में ही लिखी हैं स्टोरीज़।
उसकी उसमें से एक है और इसका उन्वान है टू किल हेमिंग्वे। रेडिकल बर्स्ट ऑफ फंडामेंटलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन द कंट्री एनलाइटन्ड मी। आई फेल्ट अबंडेंटली मोटिवेटेड टू ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंज इन माई अदरवाइज क्वेश्चनेबल पैटर्न ऑफ लाइफ। आई वॉज जनरली थॉट ऑफ अ वेवर्ड एंड ए नॉन कन्फर्मिस्ट। आई एन अवोव्ड सिनर एंड अ मैन विदाउट वर्चूज वॉज अनएक्सपेक्टेडली प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू डिसोसिएट विद माई एरेंट पास्ट एंड बिकम अ पायस मैन बाई किलिंग एन अमेरिकन। The fundamentalists had convinced me if I killed an American, my wicked life would turn into a life of a pious person. If in the process of killing an American I lost my life, I would attain martyrdom. The martyrs instantly end up in the heaven among the beautiful nymphs who serve them with grapes and heavenly wine and provide them with all conceivable and inconceivable comforts otherwise denied to them on earth. The soul-stirring sermons of the extremists transformed the wayward person within me into a warrior of Allah. They paved the way for lofty ideals in my ignorant life. Before embarking upon my noble mission, I contacted my reformer, a former Soviet-Afghan war veteran, now a Taliban, and I asked him, "I am a penniless person. How am I to reach America to kill an American? It is not obligatory for you to go to America for killing an American." The reformer said, "Many Americans live in Karachi." I felt confused and asked, "Am I not supposed to kill an American soldier?" "You have to kill an American," the reformer replied. "It doesn't matter if the slain American is a soldier, a civilian, man or a woman, young or old. Your sacred duty is to kill an American." My confusion was removed. I decided to kill an American in Karachi. I thought of eliminating Paja Masih. He is personally known to me by virtue of his nationality. He is an American. He was born at Rawalpindi and was brought up in New Jersey. Paja Masih cleans the toilets and the lavatories at the American consulates in Karachi. I purchased liquor from him. It seemed relatively easy for me to kill Paja Masih. Somehow, I changed my mind. There was no sense in killing a person who did not look like an American. Paja Masih was swarthy, short in stature, and feeble. To me, he did not appear an alien. He was like us. I therefore thought of killing a genuine American, tall, tough, rough, and robust. They work at United UN offices, UNESCO, UNDP, and US Information Center and the consulate. I prepared a tentative inventory of the original American employees and kept vigil on their movements. No doubt I am a sinner, a man without virtues, but never before in my life have I ever terminated the life of a person. I kept tossing between a firm decision and indecision. Deep down, the idea of killing a person perturbed me. However, the temptation to end up in heaven among the enchanting nymphs was more alluring. I realized what contributed to my wavering approach to a noble cause was
the foolproof security arrangements at UN, UNESCO, UNDP offices and American Information Center and the consulate. It was impossible to carry a weapon there without being detected. Redemption for a sinner, that's me, seemed far-fetched idea. I was almost on the verge of giving up my noble mission when the voice of the pious Ustad, the reformer, the eliminator of countless infidels, echoed in my ears, "Remember, it is an opportunity of a lifetime for your redemption. You must kill an American to qualify for heaven." Cure experience of listening to an echo within me bewildered me. I decided to seek guidance from one of my learned friends, Dost. Dost, I asked, "Is it all right if I killed Paja Masih for my redemption?" "Don't kill a non-entity," Dost said. "Go and kill a well-known American, a celebrity. It will redeem you from your countless sins." I thanked Dost and sought his permission to leave. He said, "Refrain from killing Muhammad Ali Kile, the boxer." I emerged more assured and more confident, and I decided to kill a famous American. Thereafter, I indulged in an intricate monologue to decide upon the name of my would-be as a victim, a famous American: Marlon Brando, Anthony Quinn, Kirk Douglas, Gregory Peck, Burt Lancaster, Charlton Heston, Clint Eastwood, Van Damme, and that one-man army called Sylvester Stallone. I realized they all belong to showbiz, and it won't be of any consequence if I killed an actor. And for that matter, most of them were already dead and gone. I thus decided to kill some other kind of a famous American: George Washington. He is already dead. Abraham Lincoln, he was assassinated long ago. John F. Kennedy, he too was killed. Then Martin Luther King, he was murdered. I felt frustrated. I therefore thought of killing an American who happens to be a man of letters, a short story writer, a novelist, a poet. It turned out to be an intriguing task. My study of American literature is meager. I know no famous names in the American literature. While I scratched my head, it occurred to me I better consult Akil Khan, retired primary teacher, who because of pecuniary hardships has gone berserk. People believe he has digested American literature. "Sir," I asked him, "who is your favorite writer in American literature?" Surprised, Akil Khan looked at me and said, "What are you up to, Gumrah?" "I am known by the name of Gumrah, literal counterpart for the word wayward." "Sir, please," I said, "let me know the names of few famous American writers." Akil Khan smiled and said, "Well, Herman Melville is a very famous writer." "Where can I find him?" I asked abruptly. He looked at the heavens and said, "Up there." Embarrassed, I asked, "Who else do you think are famous American writers?" "William Saroyan is a very famous writer," he said. "And for that matter, T.S. Eliot, Mark Twain, Henry James, John Updike, they are all famous writers. Can I reach them?" I asked. "Of course," he said. "You can find them in any good library." I hesitantly asked, "Are they alive?" "They never die," he said, "but from your point of view, they are dead." "Someone you think is very famous?" I asked.
John Updike and William Faulkner are very famous writers, and they too are dead. Akhil Khan said the most charismatic American writer famous throughout the world is Hemingway. Hemingway, the name appeared familiar to me. I jumped to my feet and said, I know him, I know him. Thank God, Akhil Khan said, you are at least aware of Hemingway. I know Hemingway very well, sir. I shook hands with Akhil Khan and embarked upon my mission. The name of the youngest son of Paja Masih is Hemingway. He is a cute little kid. I collected first-hand information about Hemingway. I kidnapped Hemingway on his way to the school and took him to the desolate place. He cried and asked, why have you brought me here, uncle? I intend to kill you. Why do you want to kill me? Because you are Hemingway. I am Hemingway. The boy wept and said, but what have I done? Nothing. Then why would you kill me? I have to kill an American for my redemption, for my sins. I am not famous, sir. You are famous throughout the world, Ernest Hemingway. I am not Ernest Hemingway, sir. You are, I shouted at him and said, haven't you written novel Sun Also Rises? No, I have not. And Farewell to Arms? No, 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 sir, I have not. Haven't you written a novel For Whom the Bell Tolls and Old Men and the Sea? How can I write several books when I'm only 6 years of age? You are lying, Ernest Hemingway. I am Paja Hemingway. The kid wept and said, believe me, uncle, I'm not Ernest Hemingway. I was taken aback. The kid said, I'm Paja Hemingway, son of Paja Masih. I let Paja Hemingway go. I, a man without virtues, was not destined to become the warrior of Allah. For my redemption, I remain a sinner. ये सिर्फ एक नमूना या झलक है, उसके कहानी पर भी आप बात कर सकते हैं और किसी भी और किसी राइटिंग के हवाले से, कहानी के हवाले से, या किसी और जो कॉलम्स में अमर साहब लिखते रहते हैं उनके हवाले से. अब ये ओपन डिस्कशन है और आप इसमें गुफ्तगू में एंगेज हो सकते हैं. किशोर कह रहे हैं कुछ और सुनाने के लिए है आपके पास. आप पूछें हम सुनाए. पूछने वाला सुनाना है. वो उसने अपना हिस्सा ले लिया था ना, इसलिए वो कातिल को तलाश नहीं करेगा. For betterment of the society, the betterment. भाई एक 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 मेरा ख्याल है कि हम सबको बड़ी गलत फहमी है, वो हमें दूर कर देनी चाहिए. ये बहुत कुछ बिहाइंड द कर्टन होता रहता है और हम जो आम आदमी चलते फिरते इधर उधर आ रहे हैं, वी हार्डली नो एनीथिंग अबाउट दैट कि क्या हो रहा है. लिटरेचर के हवाले से हमारे यहाँ अगर कोई ये समझता है कि किसी के लिखने से या कुछ लोगों के लिखने से मुआशरे में कोई तब्दीली आएगी, एटलीस्ट आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. वो हो नहीं सकता, इसलिए कि लिटरेसी परसेंटेज हमारे यहाँ 5 or 6% है, जिसको बढ़ा चढ़ा के ये 50% बताते हैं. ये झूठ है,
वो इसलिए कि अगर ये उन्होंने किसी को बता दिया कि लिटरेसी परसेंट पाकिस्तान में 5 या 6 है, तो फिर जो इमदाद आती है बाहर से कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो फॉर लिटरेसी, पढ़ाने लिखाने का, तो वो बंद हो जाएगी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन इस कदर तेज़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उसको हम कम से कम करके लेस देन 1% पे बताते हैं उनको, जो हालांकि इट्स 3%, मोर देन 3%, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ फंड्स आते हैं बाहर से बहुत ज़्यादा, तो हम उनको कम करके बताएंगे जिस लुक व्हाट वी आर डूइंग, वंडरफुल थिंग वी आर डूइंग इन पाकिस्तान। अगर काउंटर चेक्स होते हैं हमारे यहाँ, काउंटर चेक्स होते हैं, ऑलवेज काउंटर चेक्स होते हैं किसी चीज़ के, अगर 45 और 50% पाकिस्तान की लिटरेसी परसेंटेज है, तो पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए जो 17 करोड़ या 18 करोड़, अब तो बात हो रही करोड़ों की, इनके लिए 2-3 लैंग्वेजेस जिसमें पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स छपते हैं, इंग्लिश और उर्दू एंड सिंधी, इन सब अखबारों को मिलाकर टुगेदर एक साथ एक जगह उनको करके, इनकी सर्कुलेशन फॉर अ डे 12 लाख नहीं है, 10 से 12 लाख है, 17 करोड़ 18 करोड़ लोगों के लिए। तो बाकी ये लोग क्या पढ़ते हैं, बिलबोर्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं लोग? पहले तो वो टेलीफोन की डायरेक्टरियाँ इतनी इतनी मोटी मोटी छपती थी, तो वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं लोग, व्हाट डू दे रीड? ये काउंटर चेक्स हैं। किताब एक छपती है आपकी, मुश्किल से 1000 उसकी कापियाँ होती हैं, उसको कोई बरसों लग जाते हैं बिकने में, तो वेयर इज लिटरेसी? आप किस चीज़ को आप लिटरेसी कहते हैं? तो लिहाजा लिटरेचर से तो भाई मैं नहीं समझता कि आपके पास बहुत बड़ा वेपन आया, और अनफॉर्चुनेटली उस वेपन का गलत इस्तेमाल हुआ, वो गलत इस्तेमाल उसका हो रहा है, और लव्स वेपन इज़ नॉट अ डिसेंट वर्ड दैट आई हैव यूज्ड। वो है आपका टेलीविज़न, इट्स अ वेरी पावरफुल थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसकी ताकत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसमें क्या चीज़ इसकी है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, व्हाट टेलीविजन कैन डू टू यू, छोटी सी मिसाल, आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है, ज़्यादा दूर 5-6 साल की बात, हम जाते थे आते थे कहीं भी, भाई खुदा हाफिज़, भाई खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट, खुदा को उन्होंने खुदा खुदा हाफिज़ कर दिया, खुदा हाफिज़ हो गया खुदा, और खुदा की जगह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब टेलीविज़न ने जो अल्लाह हाफिज़ शुरू किया, तो अब तो 4-5 साल का बच्चा, पहले जो उसके मुंह से लफ्ज़ निकलता है, छोटा आएगा हाथ हिलाएगा, अंकल अल्लाह हाफिज़, अरे भाई तेरे को क्या हो गया? अब खुदा का क्या होगा? आई वंडर व्हाट विल हैपन टू खुदा। भाई हमारे बाप दादाओं ने, हमने खुद न जाने कितने सच्चे या झूठे सारी कस्में खुदा के नाम पे खाई थी। चलो डीप इनसाइड, चलो ये महसूस हुआ कि यार चलो जान छूटी खुदा से, खुदा की कस्मों से भी जान छूटी, न रहा खुदा न उसकी कस्में, भाई बात ख़त्म, मैंने वादा ही नहीं किया था आपसे, रहा ही नहीं, जिसके लिए वादा किया था वो रहा ही नहीं पाकिस्तान में। तो दिस विद टेलीविज़न यू कैन डू एनीथिंग, आप इस पूरी नेशन को आप पढ़ा सकते हैं, इस पूरी नेशन की आप थिंकिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब ये इस कौम के साथ इतना बड़ा मजाक है जो एवरी डे आप भी हम देखते हैं, एंड इट इज़ एन इंसल्ट। ये इसलिए भी हवाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो जो रोज़ी मेरी है इसी मीडिया के हवाले से है, और मैंने इसी से, हम सबसे बुरा फॉर्मेट प्रोग्राम का, सबसे बुरा फॉर्मेट जो मुख्तलिफ प्रोग्राम बनते हैं, सबसे बुरा फॉर्मेट वो होता है कि एक कंपेयर बिठाएं और उसके सामने 3-4 आदमी बिठा दें, अब भाई तू बोल, हाँ भाई वाह क्या सवाल पूछा है आपने, अच्छा भाई आपको कुछ कहना है, हाँ आप पूछो, वो हो बड़ा अच्छा सवाल है। अब अगर वो सियासत, ये सियासतदान वो सियासतदान, दोनों डेगर्स ड्रॉन हैं, पोल्स अपार्ट है एक दूसरे से, और वो फिर लाइव ड्रामा शुरू कर देते हैं, एंड पीपल लाइक इट, लाइव ड्रामा चलता है, गाली गलौच ये वो, एंड दिस इज़ बीइंग फेड टू अस एवरी डे, शाम होती है और इस तरह के प्रोग्राम, जो टेलीविजन आप चैनल को आप खोलें आपको इसी तरह का प्रोग्राम मिलेगा।
तो किसी को परवाह ही नहीं है, सारी तवज्जो जो है कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ है, कितना पैसा आ रहा है और कितना हम कमा रहे हैं। किसी एक जगह से एक एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं होता। 1962 में पाकिस्तान को जापान ने टेलीविज़न स्टूडियोज बनाकर दिए थे इस प्रॉमिस पर जो अयूब खान ने उनके साथ किया था, वी वांट टू सेट अप अ टेलीविज़न नेटवर्क इन पाकिस्तान फॉर एजुकेटिंग द पीपल। कहाँ है वो एजुकेशन? तो भाई बस ये इतना बड़ा आपके पास है, उसको मिसयूज़ हो गया। बाकी इस चीज़ पे लोग बैठे बड़े खुश होते हैं, बड़ा सीना अपना ताड़ के, हमारे पास जी एटम बम है, एटॉमिक नेशन है हम, एटम बम। अरे भाई, आपके 5 लाख बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, ये नंगा भूखा गिर रहा है, उसको एटम बम का टुकड़ा खिलाओ, कुछ कुछ उसके मुँह में एटम बम डालो, उसका मसाला निकाल के डालो, बच्चे मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, इनका कुछ करो। सिर्फ सीना खोल के भाई एटम बम है हमारे पास, अरे तो फिर क्या करें भाई, हमने मिसाइल दाग दी भाई, फिर क्या करें हम इसको? इससे कोई आपके स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, जो हस्पतालों के बाहर आपके लोग मर जाते हैं उनको कुछ मिलेगा इस मिसाइल से? नथिंग हैपेंस, एनीथिंग। अब पब्लिक के सामने राज नहीं खुलवाए ना लिखने को तो हम लिख गए लेकिन शिकारपुर से इनमें से दोनों चीज़ों को अलग अलग करके अब हाल ही लास्ट वीक 2-4 दिन पहले ये सात बेले जाते हुए मुझे शिकारपुर से जाना पड़ा, 2 घंटे में शिकारपुर में था। देट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू शिकारपुर। संभव मैं शिकारपुर का नाम सुनता था, उन जो इतनी कशिश होती थी और इतनी ही कशिश मुझे लाहौर से होती है, इतनी कशिश। मैं अगर मुझे ये लोग इधर से निकाल दें, सिंध से आउट करें, तो मैं लाहौर जाके रहूँगा तो शिकारपुर मुझे इतना लगा कि आई एक जिस तरह सोल मेट्स होते हैं ना आलम अरवाह में, जो रूहें एक दूसरे साथ साथ रहती हैं, ज़मीन पर आते हैं, अगर वो इत्तेफाक से एक दूसरे के सामने आ जाएं, आप फील करते हैं कि आई हैव सीन दिस मैन, आई हैव सीन दिस प्लेस, आई नो समथिंग अबाउट इट। वो मेरी एक उसमें वो फीलिंग थी। तो वो एक कशिश है मुझे उसके लिए, शिकारपुर के लिए, समहाउ एंड आई हैव नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। नंबर टू, के मैं किसी दीवान के घर पैदा होता है, दैट्स ट्रू, उसका मैं एतराफ़ करता हूँ। वो इसलिए ये मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, ये एब्सोल्युटली मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, यू डोंट टेक इट कि मैं कोई सरमन दे रहा हूँ या एडवाइस दे रहा हूँ आपको। हम पैदा होते हैं कितनी देर के लिए, इस दुनिया में जब आते हैं कितनी देर हम आज़ाद होते हैं, हाउ मेनी, दीज आर मिनट्स, आवर्स भी नहीं है। मैं इस दुनिया में आया, जिस घर में मैं पैदा हुआ, वो चाहे किसी मुसलमान का घर हो, हिंदू का घर हो, सिख का घर हो, ईसाई का घर हो, 3-4 मिनट जब तक वो नर्स या वो डॉक्टर बच्चे को निला के माँ के पास लिटाती हैं उसको या जो कुछ होता है, तो कहीं से पंडित आएगा, कहीं से मुल्ला आएगा और कहीं से पादरी आएगा उसको बेप्टाइज करने के लिए, फलां, ही इज़ चेंज्ड, उसको चेंज किया जाता है। मुझे तो हैरत होती है कि बच्चे के कान में जब आवाज़ देते हैं, क्या बच्चे को समझ है कि वो समझेगा कि मुझे जो आवाज़ ये अजान दे रहे मेरे कान में, इसकी मीनिंग क्या है? वट अब हम ऐसी बातें करें देखिएगा ब्लास्फेमी वाले को बैठे हुए साईं अमान सर तालीम जे सवाल जे करे ते का चेंज नथी जे अपरा प्रेस नथी
सर इट्स ये हाँ थैंक यू अब ये है कि एक वो अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना था, इट वाज एन अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना जिसको एक्सप्लेन बड़ी मुश्किल से हम कर सकते हैं, क्योंकि वन यूनिट के खिलाफ सिर्फ सिंध के लोग नहीं थे, पूरा बंगाल उसके ख़िलाफ़ था, क्योंकि वन यूनिट बनाया बंगाल के ख़िलाफ़ गया था कि यहाँ के चार सूबे हम आपस में मिल जाएं, एक सूबा बनाएं और बंगालियों को हम फेस करें, क्योंकि देवर 54% इन असेंबली, तो हम चाहे मिल जाएं और कुछ करें। आई थिंक आई डू नॉट हैव लॉजिकल, लेकिन एजुकेशन इज़ द ओनली वे फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी। आप चेंज फील करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएं, आप श्रीलंका जाएं, वहाँ फील करेंगे कि देयर इज़ एजुकेशन, लोगों का उठना बोलना करना, उनका रिलेशनशिप आपके साथ, इवन उनका बोलने का तरीका, देयर इज़ अ डिफरेंस उसमें, इट्स अबाउट 95%। आप नेपाल चले जाएं, वो ज़्यादा दूर है, वहाँ चले जाएं आप, नज़दीक के जितने हमारे ममालिक हैं, एजुकेशन मेक्स अ डिफरेंस, इट मेक्स अ डिफरेंस। सर Coming back to your story, ये from Mansoor Raj to Salman Das, उससे भी आगे अभी आप पूजा नसीब बात इस तरह, ये जो सो कॉल्ड रिफॉर्मर्स हैं, दे आर स्प्रेडिंग देयर वॉइस, वॉट एवर इज देयर थियोरीज, सलमान्स टेक अप ऑफ देयर वॉइस, मगर जो लिबरल्स हैं उनकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता से न सिर्फ धीमी होती जा रही है मगर शायद वो भी होती है, तो इसको कैसे वापस इस कोर्स में लाया जाए, क्योंकि मैंने सुना है पाकिस्तान न्यूज़ में लिबरल इट इज नो, इस पर आपको कुछ अगेन रिपीट प्लीज लास्ट सवाल ये है नहीं लास्ट सेंटेंस Pakistan used to be a very liberal place. Yes. Which it is no. It's no. How can we regain our past? Why were very difficult questions. Honestly, I tell you, very difficult. Because jitna latitude, because Pakistan was created in the name of Islam. Exactly. टू नेशन थियरी उसका बेस बना, बिकॉज हिंदूज एंड मुस्लिम्स के नॉट लिव टुगेदर, ये था। आई एक्सप्लेन दैट, ये था उसका, के नॉट लिव टुगेदर। 71 में सब जाहिर हो गया कि ये, हालांकि देखें ना, जब आप शीशे के घर में बैठते हैं तो आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, अगर आपकी टू नेशन थियरी इतनी ही मुकद्दस है, इतनी अच्छी है, थ्रो इट ओपन फॉर डिस्कशन, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, आप हिस्ट्री को रोक नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते हम ये वाक्या हिस्ट्री में आ गया है तो वो डिस्कस होगा, या उसको हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनाएं। टू नेशन थियरी इज़ अ पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री एंड इट इज़ टू बी डिस्कस्ड एंड इट शैल ऑलवेज बी डिस्कस्ड, ये उसको होना है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है। मेरा ख्याल है कि यू एवरी वन नोज, हमारे वकील साहब बैठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उसको दी गई है कि आप टू नेशन थियरी के बारे में उसको क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में कोई ऐसे अल्फाज जो उसको डेरागेटरी हो, वो इट्स पनिशमेंट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम एंड पनिशेबल है ये। भाई अगर ऐसी अच्छी चीज़ है तो आप उसको ओपन करें ना, लेट पीपल टॉक अबाउट इट। अब क्या है कि उस बिना पर जितने भी पाकिस्तान में फंडामेंटलिस्ट हैं या मुले हैं, उनको लेटीट्यूड मिल गया है, कोई उनको ये कहने वाला नहीं है कि भाई अब जहाँ मेरा घर है उसके इस तरफ रोड के, ये रोड जा रहा है सामने, इस रोड के इस तरफ मस्जिद, इस तरफ मस्जिद, इस तरफ मस्जिद, एक इस तरफ मस्जिद, एक एक मस्जिद ने 8-8 स्पीकर्स लगाए हुए हैं, जब वो अजान देना शुरू करते हैं तो एक दूसरे की उनको बात समझ में नहीं आती कि कौन क्या अजान दे रहा है, चारों तरफ से
भाई आपकी एक लाउड स्पीकर इज़ गुड इनफ, चार चार, अब कोई उसमें आपके इम्तहान हो रहे हैं, आपके बच्चे जाग रहे हैं, कोई बीमार है, कोई एक शख्स है जो रात भर जागता रहा है, अब सुबह सो रहा है, सुबह उसको दफ्तर जाना है, सिविल सोसाइटी की उनको कोई परवाह नहीं है कि घरों में जो लोग पड़े हुए हैं उनको इससे कितनी तकलीफ होती है, क्या होता है उस नहीं, अगर आपने कभी डेक की आवाज़ ज़रा ज़्यादा कर दी हमारे बच्चे ने किसी ने, तो दरवाज़ा खटखटाएंगे आगे, भाई ये क्या है, ये नाच गाने की आवाज़ बंद करो। लाउडस ये इतना लेटीट्यूड और इतना फ्रीडम इनको दिया गया है कि आपके इस्लामाबाद में कैपिटल ऑफ पाकिस्तान उसमें एक मुल्ला असेंबली के सामने बैठकर उसके सामने खड़े रहकर कहता है कि मैंने ख़त्म कर दिया असेंबलियाँ, मैंने टेक ओवर कर लिया। भाई व्हाट इज़ दिस, ये तो बगावत है, ये तो ट्रीजन है, इमीडिएटली आप अरेस्ट दैट पर्सन। आपकी असेंबली के सामने एक शख्स खड़ा होके अगर ये कह दे कि आपकी हुकूमत ख़त्म और अब मैंने टेक ओवर कर लिया है, अब मैं बताऊंगा हुकूमतें कैसे चलती हैं, इट्स अ ट्रीजन, इसका और कोई लफ्ज़ नहीं है, उसने बगावत की है हुकूमत के ख़िलाफ़। तीसरे दिन हमने देखा कि बड़े बड़े साई हमारे वो उसके वो क्या था उसका बंकर, उसका जो बना हुआ था कंटेनर, कंटेनर बम प्रूफ, एटम बम प्रूफ, पता नहीं क्या 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 था वो उसमें अंदर, और हम शीशे से देख रहे थे उसमें बड़े बड़े साई हमारे, सिंध के एक साई हैं जो अपने जब इलाके में जाते हैं, मखदूम साहब नाम ले लो यार, सब ने देखा था मखदूम साहब हमारे, आप कभी उनको, आपने कभी नहीं देखा, आप उनको हाला में देखें तो जब वो जाते हैं भाई लोग बस सजदा ही कर देते हैं उनको, सब कुछ वो हैं ऐसे सही, फिर वहाँ पर इनका टोन बदल जाता है, दे बिकम समवन एल्स, उनका बोलने का अंदाज, जिस तरह हमारे वो गिलानी साहब हैं, मुल्तान में पहुँचे अपने उस पर गादी वादी पे तो सफ़ेद चादर लेते हैं और ये करते हैं, आदमी दूसरा हो गया, एक शख्स जैसे एक्टिंग हो रही है, अब आपका ये ड्रामे का ये सीन ख़त्म हुआ, अब आपको ये ड्रामा करना है, अब ये परफॉर्म करना है, आपको ये परफॉर्मेंस आपको देनी है, इस तरह के वो लोग उनके पास गए और ये साई हमारे मखदूम साहब उसके यहाँ सीने पे सर रख के यूँ यूँ उनको कर रहे, पता नहीं क्या जरदारी साहब का मैसेज उसको दे रहे थे, लगे रहे मुन्ना भाई ये काम करते रहे तू। इतना बड़ा लेटीट्यूड किसी को मिल सकता है, किसी को आप किसी का भी आप नाम ले लें, यहाँ पे सिंध में दो चार हमारे हैं नौजवान जिनकी बड़ी फॉलोइंग है, और एक साल पहले पिछले साल उनमें से एक नौजवान कोई 1.5-2 लाख सिंध से लोग लेकर कराची में आ गए अंदर, वो तिब्बत सेंटर तक पहुँचे, अगर वहाँ से वो वहाँ से ज़्यादा असेंबली सिंध असेंबली दूर नहीं है, अगर वो सिंध असेंबली चले जाते और वहाँ खड़े रह के कहते हैं कि सिंध असेंबली ख़त्म, कायम अली शाह आप जाएँ खैरपुर, हम आ गए, हमने टेक ओवर किया है, उसका जो हशर होता, फौज रेंजर्स और पुलिस खिचड़ी कर देते उस 1.5 लाख आदमियों को, लेकिन मुल्ले को नहीं किया, वो मुल्ला नहीं है ना, मुल्ले को नहीं किया, मुल्ले से अब तक मुजाकरात हो रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भाई मुल्ले से आखिर मुल्ले से मुजाकरात कैसे कर सकते हो आप, भाई तालिबान से मुजाकरात की बात हमें इसलिए समझ में आती है कि वो जो हम उर्दू में कहते हैं वो जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो तालिबान के हाथ में लाठी है तो पाकिस्तान भैंस है उनकी है, अब वो पता नहीं कहाँ से अफगानिस्तान के तालिबान अब हमें बताएंगे कि हम ज़िंदगी कैसे गुजारें, नाउ दे विल बिकम अवर माई बाप उनको, और घुटने टेक देती है क्योंकि उनसे लड़ नहीं सकते हैं, ये बात तो आई, लेकिन मुल्ले से क्या डरना था, लगे भाई यही जो आपने मुझसे पूछा कि मुल्लों को इतना लेटीट्यूड इस मुल्क में दिया गया है, आपके पास नहीं है, फायरिंग हो रही है मुल्ले ने फायरिंग कर दी एनीथिंग एल्स सर, और कोई जी सर, हेलो
या आपने जो कहानियाँ लिखी हैं वो सब जो जितना भी आपका लिटरेचर उसमें एक चीज़ नज़र आती है कि आप बुनियादी तौर पे सूफी मंश हैं, ठीक है सर, एग्रीड? हाँ जी जी। तो मेरे मैं भी थोड़ा सा उलझा हुआ सा सूफी हूँ, क्योंकि सूफियों की बेसिकली थोड़ा से सूफी तकरीबन हर जगह पे आपको उलझे हुए नजर आएंगे। उसका एक रीजन है मेरे ख्याल में, मैं मैंने थोड़ा उसको स्टडी किया है। अब सवाल सुन रहे थे सर, आप भी सवाल नहीं बोले, सवाल मैं सवाल कर रहा हूँ, आप बीच में नहीं बोले, इंटरप्ट नहीं करते। अभी दस मिनट रह गए थे कि फ्रेश कर लें सवाल ताकि वो बात। जी जी जी। नहीं ये साहब इधर बोल रहे हैं ना, बुरी बात है, डिस्टर्ब कर दिया, मेरा आईजे ही खराब कर दिया। तो मेरा मकसद ये है कि सूफियों ने, मुझे जो लगता है कि ये जितने भी फंडामेंटलिस्ट हैं टोटल, जिसमें आप जितने भी फिरके हैं टोटल, इन्होंने एक जो बड़ी चालाकी की है, चालाकी ये की है कि इन्होंने फिकह बनाई है अपनी, सब ने एक फिकह बना के उसके बुनियाद पर वो सबको फतवाएँ देते हैं और सज़ाएँ देते हैं। सूफियों ने जो सबसे बड़ी गलती की है, उन्होंने फिकह नहीं बनाई है। आई थिंक कि अगर वो आप और हम सब मिलके कोई फिकह बना लें सूफियों की और इनके खिलाफ फतवाएं दें और इनको मरवाएं, तो ये एक तरीका है इनको खत्म करने का। सूफी को मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इसको सेकंड करेंगे या नहीं, इस मेरे आइडिया को। बुनियादी तौर पर लगता है कि सूफीज्म रिबेलियसनेस against the fundamentalism in a particular religion, कि कोई भी religion उसके against rebel करके कुछ सूफी लोग बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है, मसलन इस्लाम में, इस्लाम के जो ये इस तरह के मूल्य हैं उनको देखकर आप सूफी बन जाते हैं। इसी तरह हिंदुइज़्म में है, आप हिंदुइज़्म के जो वो चार तबके हैं और इस तरह की चीज़ें हैं उससे आप बड़े ही बददिल होकर आप सूफी हो जाते हैं। इस तरह क्रिश्चियनिटी में है, वहाँ आप सूफी हो जाते हैं। हर जगह आप हर किसी को उठा के देखें, शाह लतीफ़ को कई लोग सूफी समझते हैं लेकिन ही इज़ नॉट 100% सूफ़ी, ही इज़ अ पार्शली सूफ़ी। वो इसलिए कि उनके पैरों में इस्लाम की जंजीर बंधी हुई है, उन्होंने खुद आज़ादी अभी तक हासिल नहीं की, लिहाजा जे तो बेतबाया सो आए तो आहिन, और बहुत से इस तरह के इस्लामी हवाले अपनी शायरी में देना। इसी तरह हिंदुइज़्म में जाएं, वहाँ भी मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी, जिनका क्लेम सब लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी सूफ़ी खातून हैं, दादी जानकी, लंदन में बेस है, उसमें माउंट अबू राजस्थान, वहाँ उनका बेस है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअलिज़्म, लेकिन वो ज़्यादातर लंदन में रहती हैं, वहाँ से आई। वो भी अपने सरमन्स में बार बार गीता और वेदों का वो कर रही थी, दैट मीन्स शी टू वॉज नॉट फ्री। फ्री हो तो फिर महात्मा गौतम बुद्ध की तरह फ्री हो आप, कि जिसने क्रिएटर को, ना तो मेल है क्रिएटर उसके लिए ना फीमेल है। एक तो जितने भी सारे मजाहब हैं इन्होंने वो क्रिएटर को पता नहीं क्यों मेल बना दिया है, वो आदमी है यार, दिस इज़ अ मेल शावनिज़्म, इट्स अ मेल शावनिज्म कि क्रिएटर जो है, अलासाई जो है या भगवान जो है, गॉड जो है, वो आदमी है, मस्कुलर है भाई, खातून की खातून क्रिएट, खातून ही तो क्रिएटर है, शी इज द क्रिएटर। हमने इतनी बड़ी क्रिएशन मर्द को करते हुए नहीं देखा, माँ से बच्चा आता है, बाप से तो हमने नहीं सुना कि भाई बाप का बच्चा निकला, हमसे तो अच्छे अंग्रेज थे सबसे बड़े कि वहाँ पर आप फॉर्म भरें, कुछ भी करें, बैंक में अकाउंट खुलवाएं, कुछ भी करें, आपसे वालिद का नाम नहीं पूछते, माँ कौन है आपकी, दे आर श्योर अबाउट मदर,
No one can't be sure about father. Who knows? इसलिए क्यामत के दिन भी माँ के नाम से उठेंगे पर्दा रखने के लिए, और बड़े राज अफजा हो जाएंगे अगर बाप के नाम से उठे तो। सर सूफीज़म, हाँ हाँ सर, सर उसका एक सेकंड, इनका इनके छोटा सा एक उसमें मैं जवाब दे दूं आपको। जिस तरह इस्लाम के 72 फ़र्के हैं ना, आपके 72 फ़र्के, तो चूंकि हमारे सूफ़ी अब सिर्फ इस्लाम मुस्लिम सूफ़ीज के पास आ जाते हैं, दूसरों को छोड़ देते हैं, तो ये सूफ़ी भी 72 फ़र्कों में बटे हुए हैं। कोई सूफ़ी है, कोई कहीं का सूफ़ी है, कोई वो सूफ़ी है, कोई वो सूफ़ी है। दे आर नॉट सूफीज इन ट्रू सेंस। जब तक आप अलिफ, उसके बाद कुछ नहीं है। ये है ट्रू सूफीज़म। एक, बाकी हम सब अनेक हैं। एक है तो एक है, अलिफ है तो अलिफ है, बे की तरफ हमें जाना ही नहीं है। जब तक इस चीज़ में आप बिलीव नहीं करेंगे, सूफीज़म इन ट्रू सेंस आपको नहीं मिल सकती। Take, this is the last question. Loud. It's not purist nowadays. Up until this, it's in the Western world. Aap ke paas kya America ki education ka progress ki baat hai? I mean, ek admission mein yeh badi baat hai. No, this is not the solution. Ki 5000 aapne ek kaam bana liya, America hai, American hai. 5000 log hawa mein akele mein ek padhe ke duniya khatam kar. Ye progress hai. I would like to listen from you. Please. God, तो direction जब direct नूर से मालिक का हो ना, फिर बात होती है। मुझे I don't believe in any middle man, no more. I am a woman and I'm a full Kalandar woman. बस thank you very much. अभी एक last question था। हजारे बारनि जा स्कूल बंद आहिनि, हज़ारे ॿार स्कूलनि में नथा वञनि, कॉलेज बंदि आहिनि जिते लेक्चरार नथा वञनि,
आपने मुझसे सवाल पूछा है और मेरा फर्ज बनता है, माफी चाहूंगा कि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, शायद उसी में जवाब है। सवाल में जवाब, सिंध में हमारे वजीर तालीम वो फरमाते हैं कि 7,000 स्कूल बंद और बंद किस तरह हैं कि ऑन पेपर वो खुले हुए हैं, वहाँ 5-5, 6-6 टीचर हैं, उनकी लाखों रुपए वो भी होती है, सैलरी जाती है, वहाँ बच्चे हैं, उनका इम्तहान होता है, बच्चे पास होते हैं, एवरीथिंग इज़ घोस्ट। लेकिन कुछ लोगों का जो एनजीओज़ वगैरह हैं उनका ख्याल है कि इट्स मोर देन 20,000 स्कूल्स जो सिंध में बंद पड़े हुए हैं। और इसी तरह अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको क्या अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर MQM ने बंद किया है क्या इन स्कूल्स को, या उसको पठानों ने बंद किया उन स्कूल्स को, उनको पंजाबियों ने बंद किया उन स्कूल्स को? हु आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ दिस स्कूल्स? कौन है ये लोग? यू नो द आंसर, कौन है? आपके दरमियान बैठे हुए हैं, आप उनको वोट देते हैं, आप उनको असेंबली में भेजते हैं, असेंबलियों में बैठे हुए हैं। अगर एक आदमी अपना पैर खुद काट रहा है कुल्हाड़ी से और कहेगी नहीं मैंने तो नहीं काटा, किसी और ने मेरा पैर काटा है, इट्स नॉट लाइक दैट। वी आर एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर ओन इल्स। जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, सिंध की मैं बात कर रहा हूं, ये हमारी अपनी है जी, बताएं। और हुआ ये है सिंध के साथ, किश्वर को भी मैं बताऊँ, 47 में जो आज़ादी, जिस चीज़ को आज़ादी कहा गया था, वो आज़ादी एक्चुअली मिली थी सिंध के वडेरों, चौधरीों, खानों, सरदारों को। वो अंग्रेज़ों ने उनको देवर द वुल्व्स उनको पकड़ के रखा हुआ था उन्होंने जंजीरों से। 47 में गए हैं वो अनलीश हो गए, उनको खाने के लिए अब ये आम आदमी हम लोग मिल गए ना, दे आर ईटिंग अस जी। जल्दी में फाइनल आज का इसका जवाब लास्ट है थोड़ा सा। मैं टेलीविजन सब लोग ही देखते हैं आजकल, वो ऐड चल रहा है किसी टेलीफोन का है या किसी टेलीफोन सर्विस का है, उसमें हमारे वो जो जफ़र, एक बड़ा नौजवान लड़का है हमारा सिंगर, हाँ अली जफ़र, जिसको इंडिया में जिसकी फिल्में हैं, उसका एक चंक बड़ा मज़ेदार है, वो शाजिया खुश की तरह करके और शाजिया खुश का गाना गा रहा है और बाद में जब वो घूंघट उठाता है तो अली जफ़र निकलता है अंदर से, तो ये सब अली जफ़र हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आज एक्चुअली टाइम तो कभी बातों में ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कुछ मजबूरी है और प्रोटोकॉल है। आप सबके यहाँ होने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अमर जलील साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी कि वो आए और अपने थॉट्स शेयर की, बहुत मेहरबानी।